more during the press conference. I now request the Honorable Home Minister for his opening remarks. मित्रों, लंबे अरसे के बाद आपसे मिल रहा हूं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी मित्रों का स्वागत है और अपनी प्रेस वार्ता प्रारंभ करने के पहले मैं अपनी संवेदना और भारत सरकार की ओर से संवेदना जो जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा आई है और उससे जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की जाने गई हैं, उनके प्रति व्यक्त करता हूं। यहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि विगत 109 वर्षों में ऐसी प्राकृतिक आपदा जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आई थी जैसी कि इस बार आई है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैं बाद में दूंगा, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद 100 दिनों के अंदर हमारे गृह मंत्रालय ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी जानकारी आपको देना चाहूंगा। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के मंत्रीगण ने अपनी प्रेस वार्ता की है, आपको जानकारी दी है, और आज के दिन मैं अपने गृह मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी आपको दूंगा। विगत 100 दिनों के अंदर जो कुछ भी हम लोगों ने किया है उसका आधार हमने बनाया है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमने प्रमुख घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं की को पूरा करने की दृष्टि से हमने कुछ प्रमुख पहल की है, क्योंकि हमारी यह दृढ़ मान्यता है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो अथवा कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट नहीं पैदा होना चाहिए। वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। और भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंज मैं यही मानता हूं कि वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने का, उसी के परिणाम स्वरूप यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और हमारी सरकार ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। हमने जो कहा है वही हमने करने की कोशिश की है। यहां तक होम मिनिस्ट्री का प्रश्न है, होम मिनिस्ट्री के मैंडेट के बारे में आप सबको जानकारी है, लेकिन विशेष रूप से इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटर स्टेट रिलेशंस और यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स और वीजा रिलेटेड इश्यूज और साथ ही साथ संसद रिलेटेड इश्यूज और इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस का मैनेजमेंट, यह सब सारे मैंडेट हमारे होम मिनिस्ट्री की है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक आपदा के संबंध में। यह एक प्रकार की राष्ट्रीय आपदा है। मैं सराहना करना चाहता हूं भारत के सेना के जवानों का, चाहे वह आर्मी के जवान रहे हों, चाहे इंडियन एयरफोर्स के रहे हों, चाहे हमारे नेवल फोर्स के रहे हों, और साथ ही साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के एनडीआरएफ के जवान रहे हों। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 1,30,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अब भी यह निरंतर सेवा सेना के तीनों विंगों के द्वारा और साथ ही गृह मंत्रालय के एनडीआरएफ के द्वारा जारी है। 90,000 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करने का काम सेना के तीनों विंगों के नौजवानों ने किया है और एनडीआरएफ के नौजवानों ने लगभग 34,000 लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा मेरा हुआ था और आकर जब मैंने प्रधानमंत्री जी को वहां की वस्तुस्थिति के संबंध में जानकारी दी, प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मैं कल ही वहां पर जाऊंगा और जम्मू कश्मीर की स्वयं यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की। यहां तक जम्मू कश्मीर को इस संकट की घड़ी में मदद करने का प्रश्न है। मैंने पहले ही कहा था कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में स्टेट गवर्नमेंट के पास इस समय 1,100 करोड़
उपलब्ध हैं। और मैं यह जानकारी देना चाहता हूं आपको कि यस डीआरएफ में 90% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मैंने वहां के मुख्यमंत्री जी को कहा था कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जितना कर सकते हैं लोगों को रेस्क्यू करने में, लोगों को रिलीफ पहुंचाने में, उसका यूटिलाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। लेकिन इस अमाउंट के होते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन जम्मू काश्मीर में जाकर 1000 करोड़ रुपए की स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की और साथ ही साथ यह आश्वस्त किया वहां की राज्य सरकार को कि रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हम किसी भी सूरत में धन की कमी नहीं आने देंगे। यह निरंतर सिलसिला जारी है और हमारे होम मिनिस्ट्री ने बहुत ही इस दृष्टि से प्रोएक्टिव और रेस्पॉन्सिव पॉलिसी अपनाई है और जितना इमीडिएट एक्शन हो सकता था होम मिनिस्ट्री के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा हम लोगों ने वह एक्शन किया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी हमारी सरकार बहुत गंभीर है। मैं बहुत, यदि आप चाहेंगे तो डिटेल में भी जानकारी दूंगा आपको कि अब तक जम्मू काश्मीर में डिजास्टर के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है और आगे क्या क्या हम कर रहे हैं, इसकी डिटेल जानकारी देंगे। मैंने भी गृह मंत्रालय की तरफ से भी बराबर समीक्षा की थी प्रतिदिन और उसके बाद परसों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर भी उन्होंने इसकी समीक्षा की है और इस समय हमारे होम सेक्रेटरी जम्मू काश्मीर में ही स्टे कर रहे हैं और पूरी जो कुछ भी वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम चल रहा है उसको उनके द्वारा रिव्यू भी किया जा रहा है। साथ ही हमने एक नई पॉलिसी के तहत सिविल डिफेंस को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से जोड़ने के लिए 20 अगस्त को यानी पिछले महीने 2090 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम बनाई है। अब सिविल डिफेंस को डिजास्टर मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, चैलेंजेज हमारे सामने माओइज्म के हैं जिसे कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ ही साथ जम्मू काश्मीर में आतंकवाद का चैलेंज है और नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंट्स के का भी चैलेंज है यानी इंसर्जेंसी की एक मेजर प्रॉब्लम है। इन सारे चैलेंजेस को बीट आउट करने के लिए हम लोग अपनी पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए संभवतः पहली बार एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन पॉलिसी भी बनाई है जिसको आज हम फाइनल शेप देंगे। पॉलिसी बन चुकी है, आज ही फ्राइडे के दिन हम उसे फाइनल शेप हम देने जा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के संबंध में भी आगामी 15 से लेकर 20 दिनों के अंदर जो हमारी पॉलिसी बनी है उसको भी हम फाइनल शेप देंगे। जम्मू काश्मीर के संबंध में भी हमारी पॉलिसी बन चुकी है, उसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे हमारे फॉर्मर रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनका अनुभव है इन क्षेत्रों में उनको बुलाकर उनसे भी राय परामर्श करके उसको हम फाइनल से बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। एक मेजर अचीवमेंट जो हमारा रहा है अब तक नॉर्थ ईस्ट में, आप सबको जानकारी है कि मणिपुर में वहां एक यूनाइटेड नागा फ्रंट है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट की घोषणा की थी। इकोनॉमिक ब्लॉकेट सामान्यतः इसके पहले जब भी हुआ है नॉर्थ ईस्ट में वह महीने, दो महीने, तीन महीने से भी अधिक समय तक बराबर चला है, लेकिन कल ही यह इकोनॉमिक ब्लॉकेट समाप्त हुआ है और 5 से लेकर 6 दिन के अंदर ही इस इकोनॉमिक ब्लॉकेट को समाप्त करने में हम सबको कामयाबी हासिल हुई है। जितने भी इस प्रकार के चैलेंजेज हैं उस चैलेंजेज को मीट आउट करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जितनी उसकी स्ट्रेंथनिंग हो सकती है अधिक से अधिक उसकी स्ट्रेंथनिंग करने की हम लोगों की तरफ से कोशिश पूरी तरह से की जा रही है और एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस भी हम गठित कर रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस की
की फोर्स का समय समय पर ट्रेनिंग भी उनकी चलती रहती है ताकि उनकी इफिशियंसी को जो है बढ़ाया जा सके। एक मेजर उपलब्धि जो हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्रों की रही है उसकी भी जानकारी आपको दूंगा मैं। 26 मई से लेकर 15 अगस्त के बीच करीब 100 जो हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्रों की रही है उसकी भी जानकारी आपको दूंगा मैं। 26 मई से लेकर 15 अगस्त के बीच करीब 132 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इतने ही टाइम स्पैन में आज तक इतना आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ है जितना कि आत्मसमर्पण इन 100 दिनों के अंदर माओवादियों ने किया है। इसके अतिरिक्त जबकि इसी अवधि में आपको जानकारी देना चाहता हूं, पिछले वर्ष सरेंडर करने वालों की संख्या केवल 44 थी और इस साल वह बढ़कर 132 हो गई है। और गृह मंत्रालय में 27 जून को मैंने एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों के जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं और साथ ही साथ सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डीजीज हैं इनकी भी बैठक हमने बुलाई थी और हमारा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान एलडब्ल्यूई के चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए कैसा होना चाहिए इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की थी और इनको किस प्रकार का रोल प्ले करना है अपनी अपनी स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरीज को और डीजीज को उसके संबंध में भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस लगभग 2 महीने पहले इन सारे लोगों को दिए जा चुके थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।